तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हाँ, शो जो है वो खत्म हो चुका और इस बार रोमन रेंज हमें देखने को मिले। लास्ट वीक रोमन रेंज की अपीयरेंस नहीं थी और इसकी वजह से काफी सारे लोग सोच रहे थे कि स्मैकडाउन थोड़ी बोरिंग थी, लेकिन आज के शो में हमें एक दो चीजें इंटरेस्टिंग देखने को मिली। उसके अलावा काफी सारी अपडेट्स हैं जो स्मैकडाउन से हमें जानने को मिली है। एक और चीज जो कि अभी तक WWE कोई हिंट नहीं दे रही है उस चीज का, वो है सर्वाइवर सीरीज। भाई भला इस पेपर व्यू में होने क्या वाला है कोई मुझे बताएगा, क्योंकि जब स्मैकडाउन में रिप्ले दिखाया जा रहा है तो छोटा सा लोगो बना होता है सर्वाइवर सीरीज का साइड में, लेकिन आज भी कोई आइडिया ही नहीं लग रहा कि आखिर सर्वाइवर सीरीज के लिए WWE रोमन रेंज के साथ क्या करेगी और बाकी मैचेस क्या होने वाले हैं। कि यहाँ पे कोई ब्रांड सुप्रीमेसी वाली चीज होगी, क्या रॉ स्मैकडाउन के अगेंस्ट जा रही है, हो क्या रहा है उसके बारे में आज थोड़ा सा हिंट हमें जानने को मिला। रोमन रेंज ने रॉ को मेंशन करा स्मैकडाउन के शो पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्लॉगिंग चैनल पे, यानी कि मेरा दूसरा जो चैनल है उस पे कल मैंने एक वीडियो डाली थी, तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं करी है, लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, आप जाके उसको देख सकते हैं। मुझे अपने कॉलेज से किट मिली थी तो उसको मैंने अनबॉक्स करा, आपको मैंने दिखाया कि क्या क्या उसके अंदर है, डेफिनेटली चेक दैट आउट। और अगली वीडियो जो होने वाली है वहां पे मेरा रूम टूर होगा, जो यहाँ पे मैं कनाडा में रह रहा हूँ, तो डेफिनेटली उस चीज के लिए आप बने रहें। स्मैकडाउन की हम बात करते हैं तो रोमन रेंज आ जाते हैं बाहर द ब्लड लाइन के साथ, और ऑब्वियसली यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई लास्ट वीक में आया नहीं क्योंकि ब्रॉक लेसनर जैसे बंदे से मैच लड़ने के बाद भाई हर किसी को एक वेकेशन की जरूरत है, और इसकी वजह से मैं लास्ट वीक था नहीं, अपनी वाइफ के साथ मैं बीच पे जो है आराम से एंजॉय कर रहा था और उसको भी बहुत मजा आया। तो रोमन रेंज यहाँ पे खुश थे, लेकिन उसके बाद वो पूछते हैं कि भाई स्मैकडाउन का शो तो उतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैं आया नहीं, लेकिन क्या हुआ? वो पॉल हेमन से पूछते हैं, तो हेमन पहले ब्रॉक लेसनर को मेंशन करते हैं, लेकिन रोमन रेंज उसकी बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे द उसोज के लॉस की अगेंस्ट द न्यू डे। वो कहते हैं कि भाई देखो एक बार मैं आता नहीं हूं और तुम मेरी सारी इज्जत जो है वो पानी में मिला देते हो। तो इस बात से रोमन यहां पे बिल्कुल खुश नहीं थे। वो पूछते हैं कि कौन सा उसो था जो पिन हुआ, और यहां पे जिमी उसो ऑब्वियसली वो सुपरस्टार हैं, तो रोमन रेंज कहते हैं कि जिमी तुम कैसे इस चीज को सही करोगे, और जिमी उसो यहां पे काफी पैशनेट प्रोमो कट करते हैं कि मैं आज जेवियर वुड्स को हराऊंगा और उसको हरा के जो है ट्राइबल चीफ की एक बार फिर से जो है इज्जत मैं लूंगा वापस, और सारे लोग ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंज को एक्नॉलेज करेंगे। तो न्यू डे यहां पे बाहर आ जाती है और जेवियर वुड्स का काफी मतलब सही प्रोमो था, और इसी की वजह से मैंने ये बात बोली थी कि उन पे किंग वाला रोल बेटर सूट करेगा रैदर देन फिन बैलर। और यहाँ पे आके वो कहते हैं कि भाई देखो अगर कायदे की बात करी जाए तो किंग को हेड ऑफ द टेबल पे बैठना चाहिए, और वो रोमन रेंज के यहाँ पे जो है थोड़ा टॉन्ट कर रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी भी वही जगह होनी चाहिए जहां पे किंग रहता है। तो रोमन रेंज के अगेंस्ट वो एक दो शॉट लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं देखो भाई मैं एक प्रपोजल ऑफर करता हूं, आज अगर जिमी उसो मेरे को हरा देता है मैच के अंदर तो रोमन मैं तुम्हें एक्नॉलेज करूंगा, लेकिन अगर रोमन रेंस जिमी मेरे से हार जाता है तो उसको मेरे अगेंस्ट नी बेंड करनी पड़ेगी, यानी कि घुटना टेकना पड़ेगा अपने किंग के आगे। तो पहले उसोस जो हैं वो मना कर रहे होते हैं कि भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन रोमन रेंस माइक मांगते हैं और वो कहते हैं द ब्लड लाइन एक्सेप्ट, और इस मैच को गाइस ऑफिशियल कर दिया जाता है मेन इवेंट के लिए। तो ये ओपनिंग सेगमेंट थी गाइस आज शो की, मैंने इसको काफी एंजॉय करा, और ओवरऑल अगर बात करेंगे हम अभी शो की उतना भी कुछ खास नहीं था, लेकिन ये सेगमेंट डेफिनेटली मुझे पसंद आई। अगली चीज की हम बात करते हैं तो नयोमी का मैच होता है शेना बेजलर के साथ एक बार फिर से, और यहाँ पे एक ठीक ठाक मैच के बाद नयोमी जीत जाती है, लेकिन यहाँ पे बाहर आ जाती है सोनिया डेविल। वो कोई ना कोई बहाने बना देते हैं कि भाई किस तरीके से इस मैच को रिस्टार्ट कराया जाए। नयोमी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, मैच रिस्टार्ट होता है और नयोमी पे हार जाती हैं शेना बेजलर से। तो ये बहुत खींचा जा रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन एक बार फिर से हम जानते हैं कि सोनिया डेविल का इन रिंग रिटर्न मैच अगेंस्ट नयोमी, उसी के लिए WWE यहां पे प्लान बना रही है। इसके बाद हम बात करते हैं इस मेंशन की जो कि रोमन रेंज ने आज बैकस्टेज करा, और वो बैठे होते हैं एक बार फिर से गुस्से में और कहते हैं भाई एक हफ्ते में नहीं आया, स्मैकडाउन सक्स, इतनी बेकार थी स्मैकडाउन, ऑलमोस्ट एज बैड एज मंडे नाइट रॉ। और यहां पे जिमी उसको हंसना स्टार्ट कर देते हैं और रोमन रेंज कहते हैं भाई क्या तुम्हें एक जोक लग रहा है, और उसके बाद जिमी कहते हैं भाई तुम टेंशन मत करो आज मैं सारी चीज सही कर दूंगा जेवियर वुड्स को हरा के। तो ये पहला मेंशन था गाइस जो हमने देखा रोमन रेंज की तरफ से आज रॉ के ऊपर। तो क्या आने वाले रॉ के एपिसोड में कोई सुपरस्टार स्मैकडाउन को मेंशन करेगा, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एक बार फिर से सर्वाइवर सीरीज की कोई बिल्ड अभी तक हमको पता नहीं लगी, विच इज रियली डिसअपॉइंटिंग। अगली चीज की हम बात करते हैं तो ये हील शॉट्स ब्लैक हार्ट
कार्ड का प्रोमो हमें सुनने को मिला, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा स्क्रिप्टेड और अजीब भी लगा, क्योंकि भाई अगर एक हील बंदा होता है उस पर वो नेचुरली फिट करनी चाहिए चीज कि हाँ भाई किसी चीज से वो परेशान है, लेकिन शॉर्टजी पे आई डोंट थिंक वो चीज इतनी सूट करी, बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड प्रोमो लगा। लेकिन बेसिकली वो कह रही थी कि साशा बैंक्स को जो है अब मैं वो भूल नहीं सकती जो चीज उन्होंने मेरे साथ करी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मैच भी हार गई और अब मुझे उनको हराने के लिए कोई टैंक की जरूरत नहीं है। तो कंफर्मेशन है कि शॉर्टजी इज नाउ हील, लेकिन ये प्रोमो मुझे उनका उतना पसंद नहीं आया। इसके बाद एक और बैक स्टेज प्रोमो नए सुपरस्टार की तरफ से जो कि है रिज हॉलैंड, और वो यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई शेमस जो है मेरा आइडल है और उनसे मैं मिलना चाहूंगा स्मैकडाउन के ऊपर, और ये मेरे लिए जबकि एक गुड न्यूज है, मेरा यहाँ पे आना पूरे स्मैकडाउन के रोस्टर के लिए एक बैड न्यूज है। ये बात रिज हॉलैंड ने यहाँ पे बोली। तो नए फेसेस देखने को मिल रहे हैं स्मैकडाउन के ऊपर, एंड आई थिंक अगर ये शो की जो लेवल है उसको मेंटेन रखना है उसी पे जहाँ पे कुछ महीने पहले था, तो नए सुपरस्टार्स को फटाफट कुछ बढ़िया देना पड़ेगा, नहीं तो लोग ऑब्वियसली इसको देख के बोर ही हो जाएंगे। इसके बाद टैग टीम मैच देखने को मिलता है गाइस, एंजल गार्जा एंड हुम्बर्टो कैरियो अगेंस्ट सिजारो एंड मंसूर। ये एक अच्छा टैग टीम मैच था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया किस तरीके से सिजारो को अब ट्रीट करा जा रहा है। वो एक ऐसी टैग टीम में है जिसके कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है, आई डोंट थिंक WWE उनको पुश देने वाली है इस पॉइंट पे, और उन्होंने इस मैच में पिन भी ले लिया है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो हुम्बर्टो और एंजल गार्जा को थोड़ा बहुत पुश मिल रहा है, लेकिन सिजारो की बुकिंग मुझे उतनी पसंद यहाँ पे आई नहीं। इसके बाद हम बात करें तो ड्रू मैकइंटायर आ जाते हैं अपना ओपन चैलेंज लेके एक बार फिर से, और उसको यहाँ पे आंसर कराए रिकोशे ने। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ड्रू मैकइंटायर की जो बुकिंग है इस पे आपके क्या थॉट्स हैं, क्या आपको लगता है कि हाँ भाई उनको ऐसे ओपन चैलेंज करते रहना चाहिए, क्या कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है पूरे रोस्टर पे जो मैकइंटायर से एक प्रॉपर फ्यूड कर सके। लेकिन आज ये थोड़ी बहुत प्रॉपर फ्यूड लगी थी, क्योंकि रिकोशे जब आते हैं भाई उनका प्रोमो काफी बढ़िया था, वो ड्रू मैकइंटायर को 2-3 सुनाते हैं और आके उनको थप्पड़ मार देते हैं और इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं। इन दोनों के बीच का जो मैच हमें देखने को मिला इट वॉज अमेजिंग, मतलब हार्ड हिटिंग मैच था, जिस तरीके से मैकइंटायर उठा के रिकोशे को फेंक रहे थे, और रिकोशे की सेलिंग की हम बार बार बात करते हैं कि भाई वो बंदा जो करता है उसकी वजह से भी उसका मैच बढ़िया लगता है, तो वो एक क्रेडिट है रिकोशे को। और ये मैच काफी अच्छा हमें देखने को मिला, एंडिंग मूव कमाल का था, जब रिवर्स मून सॉल्ट के लिए यहाँ पे जाते हैं बेसिकली रिकोशे और उनको हवा में क्लेमोर किक मार देते हैं ड्रू मैकइंटायर, एक बहुत बढ़िया एंडिंग थी। और उसके बाद बैक स्टेज देखने को मिलता है कि मुस्तफा अली कन्फ्रंट करते हैं रिकोशे को, और वो कहते हैं कि भाई तुम मेरे साथ पार्टनर बन जाओ, मेरे साथ टैग टीम बना लो, और यहाँ पे 2-3 सुनाते हैं रिकोशे इस बार मुस्तफा अली को, और उनको भी मना कर देते हैं उस ऑफर के लिए। तो मुस्तफा अली भी किसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन साथ के साथ भाई एक और भी बंदा ढूंढ रहा है जिसके हम बात करेंगे, वो है सैमी ज़ेन, क्योंकि बैक स्टेज वो अलिया को गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे थे, जेफ हार्डी वहां पे आते हैं और सैमी ज़ेन को वहां से भगा देते हैं, तो बेसिकली उनकी तरफ से देखने को मिला। इसके अलावा वाइकिंग रेडर्स का यहाँ पे एक सेगमेंट होता है हैप्पी कॉर्बिन और मैड कैप मॉस के साथ, बिल्कुल दुनिया भर की क्रिंज कॉमेडी यहाँ पे भरी हुई थी, जिसपे एक बार भी मुझे हंसी नहीं आई। आप लोग अगर हंसे हैं तो किस जोक पे हंसे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। उसके बाद इन दोनों टीम्स का मैच होता है भाई यहाँ पे, और हमें देखने को मिलता है कि मैड कैप मॉस और हैप्पी कॉर्बिन वहां से भाग जाते हैं, काउंट आउट की वजह से वाइकिंग रेडर्स इस मैच को जीत जाते हैं। एक बार फिर से एक ऐसी टैग टीम जिसको पता नहीं किस तरीके से बुक करा जा रहा है, टैग टीम डिवीजन के लिए हमेशा हमारे थॉट्स ऐसे रहते हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना आगे क्या होता है। इसके बाद सैमी ज़ेन पे वापस आते हैं, और एक पॉइंट में और मेंशन करना चाहूंगा कि भाई जेफ हार्डी के साथ WWE करके आ रही है, 2-3 हफ्ते हो गए हैं, ड्राफ्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है, भाई इस बंदे के लिए क्या तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, बस ऐसी बैकस्टेज घूमता रहता है, क्योंकि हर हफ्ते बैकस्टेज तो जेफ हार्डी को फीचर करा जाता है लेकिन रिंग में उनके लिए करने के लिए कुछ है नहीं, जो कि एक बहुत ही वियर्ड सी बात है। लेकिन यहाँ पे सैमी ज़ेन जाके हिट रो को कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं भाई मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम एक एंट्रेंस कैसे करते हो, क्योंकि तुम्हारी जो एंट्रेंस थी 2 हफ्ते पहले स्मैकडाउन पे वो बहुत ही ज्यादा बकवास थी। तो सैमी ज़ेन यहाँ पे आके अपनी एंट्रेंस करते हैं, लोग उनको बू कर रहे होते हैं, और हिट रो यहाँ पे बाहर आके उनको भी एक जो थोड़ा सा है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश मुझे लग रहा था वो करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर अब हिट रो एक बेबी फेस टीम बन गई आई थिंक, और वो सैमी ज़ेन को वहां से इजीली जाने देते हैं, लेकिन एक लेसन सिखा दिया कि हमारे वे में तुम्हें अड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो सैमी ज़ेन भी फिलहाल कर तो कुछ नहीं रहे, ऐसी बैकस्टेज रोल उनका है। और फाइनली शो के मेन इवेंट में गाइस ज़ेवियर वुड्स का मैच देखने को मिलता है अगेंस्ट जिमी उसो। ये एक अच्छा मैच था, और मुझे यहाँ पे लग रहा था कि पता नहीं क्यों जिमी उसो जीत जाएंगे। मैच से पहले जिमी उसो रोमन को भी पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ रिंग साइड नहीं चलोगे, तो रोमन कहते हैं भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम खुद सॉल्व करो। और एट द एंड इस मैच में हमें देखने को मिलता है कि जे उसो पिन को असिस्ट करने की कोशिश करते हैं, रेफरी देख लेता है और ये चीज अगेंस्ट ही हो जाती है भाई, बिल्कुल उसोस के उनकी स्ट्रेटजी उल्टी पड़ जाती है और ज़ेवियर वुड्स रोल अप करके यहाँ पे हरा देते हैं गाइस जिमी उसो को। तो कायदे से तो यहाँ पे जिमी उसो को करनी चाहिए थी नी बेंड अगेंस्ट ज़ेवियर वुड्स,
और ऑब्वियसली इस बात से रोमन रेंस बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन वो जो है अपनी एक बार फिर से डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने दे सकते थे। तो आउट ऑफ नोवेयर रोमन रेंस आते हैं, एक सुपरमैन पंच टू जेवियर वुड्स और उसके बाद स्पीयर भी लगा देते हैं कोफी किंगस्टन को। तो यहाँ पे क्लियर है कि न्यू डे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल, लेकिन साथ के साथ रोमन रेंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया न्यू डे को। अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि कौन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकता है। क्या WWE बेसिकली वेट कर रही है बिग ई अगेंस्ट रोमन रेंस का और आखिरी एक दो हफ्तों में वो सारे मैचेस अनाउंस कर देंगे सर्वाइवर सीरीज के, या फिर रोमन रेंस अब अपना टाइटल डिफेंड नहीं करेंगे अंटिल ब्रॉक लेसनर कम्स बैक। तो गाइस ये था आज का स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शो के बारे में जितने भी थॉट्स थे डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में बताएं। और फिर से मैं कहूंगा कि जो व्लॉग चैनल पर नई वीडियो आया उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेस्ट।